नमस्कार, आप देख रहे हैं TV30 इंडिया और मैं हूं आपके साथ दीपिका पात्रे। प्रेम किशोर सिक्ची चैरिटेबल ट्रस्ट अहमदाबाद की ओर से अमरावती जिले के वलगांव में कैंसर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। सिक्ची रिसोर्ट्स में आयोजित इस शिविर में कैंसर तज्ञ डॉक्टर अरोरा और उनकी पत्नी नीता अरोरा ने मार्गदर्शन किया, जिसमें डॉक्टर अरोरा ने बताया कि विदर्भ में कैंसर का बढ़ता प्रकोप चिंताजनक है। साथ ही उन्होंने कैंसर मरीज के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की भी जानकारी दी। स्टेज 4 में केवल 40% संभावना बचती है कि आप अच्छे होंगे, तो स्टेज 1 से स्टेज 4 पहुंचने में क्या इम्पोर्टेंट है कि समय पे इलाज करें। अगर इलाज नहीं करेंगे तो आप स्टेज 2 में जाएंगे, थोड़ा और समय लगाएंगे तो स्टेज 3 और 4 में चले जाएंगे। तो बेहतर है कि जिस समय कैंसर डिटेक्ट हुआ उससे डरे नहीं, उससे घबराए नहीं, उसका डट के सामना करें और आपके ठीक होने की पूरी संभावना है। एक चीज़ आखिर में ऐड करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने अभी बहुत सारी स्कीमें चला रखी हैं, अमरावती कैंसर फाउंडेशन में वो सब चीज़ें अवेलेबल हैं। महात्मा गांधी फुले स्कीम है, ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना है जो अपने हॉस्पिटल में भी अवेलेबल है, जिसके के तहत पूरा इलाज फ्री में होता है, सर्जरी फ्री में होती है, कीमो फ्री में होता है, रेडिएशन फ्री में होता है। तो चूँकि कैंसर का इलाज बहुत महंगा है, बहुत लंबा है, ऐसा कुछ नहीं है, सभी मशीनें अमरावती में अवेलेबल हैं, टोटल इलाज फ्री में होता है। जिसको अधिक इलाज चाहिए वो कहीं भी जा सकता है, लेकिन इलाज की वजह से किसी मतलब पैसे की वजह से किसी का इलाज नहीं होगा ऐसा नहीं होता है। तो आप ये मतलब कोई भी आए हमसे संपर्क करें, किसी भी कैंसर हॉस्पिटल में जाए तो प्रॉपर इलाज करें, वो समय के साथ इलाज करें, बस इतना ही कहना चाहते हैं। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए TV30 इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।